हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की वीडियो की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग और भी वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं, ये थोड़ी और भी ज्यादा एडवांस वीडियो है क्योंकि एक टेबल में हम यहां से करेंगे क्रिएट पर क्लिक, यहां पर व्यू पे जाएंगे, डिजाइन व्यू पे आ जाएंगे। अब इस जो टेबल है, जो मैं टेबल बना रहा हूं, उसे मैं नाम दे देता हूं कस्टमर टी। लिखता हूं मैं यहां कस्टमर टी। ओके, तो ये पहली टेबल जो हमने बनाई है वो कस्टमर टी के नाम से बनाई है। और यहां पर आ रहा है आईडी, मैं यहां पे कर देता हूं कस्टमर आईडी, ठीक है। और यहां पर करता हूं कस्टमर नेम, ऐसे मैं नंबर कर देता हूं, ऑटो नंबर हटा देता हूं, यहां कर देता हूं नंबर, ठीक है। और यहां पर करता हूं मैं कस्टमर नेम, यहां पर कस्टमर नेम करने के बाद फिर यहां पर ऑर्डर आईडी कर देता हूं, यहां कर देता हूं प्रोडक्ट नेम, फिर यहां कर देता हूं प्रोडक्ट आईडी, ओके। तो ये इस तरह से इतनी सारी चीजें हमने यहां पे कर दिया है, ठीक है। और एक काम और करते हैं, यहां पे प्रोडक्ट आईडी जो है इसे बना देते हैं हम नंबर, ओके। और बाकी ऑर्डर आईडी भी हम बना लेंगे नंबर, तो ये नंबर कर दिया हमने। और यहां से व्यू पे करेंगे क्लिक और यहां से यस कर देंगे, तो ये इस तरीके से डिस्प्ले होगा। अब यहां पर दूसरी टेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं, यहां से दूसरे टेबल पे गए और यहां से व्यू पे जाकर डिजाइन व्यू पे आ जाएंगे। और यहां पर मैं लिखता हूं, अब पहला टेबल जो बनाया कस्टमर, ये है ऑर्डर आईडी, तो यहां ऑर्डर टी कर देता हूं, ठीक है। ऑर्डर आईडी नहीं बल्कि ऑर्डर टी। अब यहां पर जो प्राइमरी की है ये, और यहां पर मैं करता हूं ऑर्डर, तो ये पहला हो गया ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर आईडी का डेटा टाइप हमने रखा था नंबर, तो यहां पे रख लेते हैं नंबर। और यहां पे कर देते हैं प्रोडक्ट नेम, तो मैं कस्टमर आईडी, ओके। और यहां पे कस्टमर आईडी हो जाएगा नंबर डेटा टाइप। और कस्टमर आईडी डालने के बाद इसको यहां से कर देंगे, ओके। तो ये इस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा। अब तीसरी जो टेबल हमें बनानी है, एक हो गया कस्टमर आईडी, एक हो गया और एक हो गया कस्टमर टेबल, दूसरा हो गया ऑर्डर टेबल, और तीसरा हम करेंगे, और यहां पे कर देता हूं मैं प्राइस लिस्ट। तो ये प्राइस लिस्ट के नाम से एक टेबल बना दिया, ठीक है। यहां पे कर देता हूं मैं बिल आईडी, ओके। और यहां पर कस्टमर आईडी, और यहां पर ऑर्डर आईडी, और यहां पर ये सब ऑर्डर करेंगे, ये भी हटा देंगे ऑर्डर आईडी। अब ये सब करने के बाद यहां पर चीजें हमें चेंज करनी है, यहां पर इसको नंबर कर लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं नंबर। और अब यहां पे बिल आईडी ऑटो नंबर है, और यहां से ओके प्रेस करता हूं, इसको सेव कर लेता हूं, ये हो गया। अब यहां पर आएंगे कस्टमर टी में, यहां पर बिल आईडी हमने दिया नहीं है, तो यहां पर हम दे देते हैं बिल आईडी, ठीक है। तो डिजाइन व्यू पे आते हैं और यहां पर बिल आईडी, ओके। तो ये दे दिया हमने, और यहां से ओके किया, और यहां से इसको भी ओके कर लेंगे, तो ये इस तरीके से हमारे सामने डिस्प्ले होगा। अब यहां पर कस्टमर आईडी की बात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर कस्टमर आईडी मैं रखता हूं 101 हेड फोन, और यहां पे प्रोडक्ट आईडी आएगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी कर देता हूं 300, ओके। और यहां पर आएगी बिल आईडी, तो 1001, ये हो जाएगी बिल आईडी, ओके। अब बिल आईडी यहां पे प्राइस लिस्ट में आके यहां पे बिल आईडी, यहां पर भी बिल आईडी आएगा, तो ये यहां पे हमने ऑटो नंबर दे रखा है, आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑटो नंबर नहीं रखेंगे, नंबर रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं आप, ठीक है, नंबर ही रख लेता हूं। तो बिल आईडी हमने दिया था 1001, तो ये 1001 यहां पर भी रहेगा, और कस्टमर नेम
राम आईडी हमें पता चलेगा यहां से, तो ये देख सकते हैं 101 ये हमारी कस्टमर आईडी है, तो यहां 101 कर देता हूं। और ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी की जहां तक बात है तो ऑर्डर आईडी हमने इसमें डाला नहीं है अभी, जबकि यहां पर देख सकते हैं ये ऑर्डर आईडी इसमें आ गई होगी 900 यानी 900, तो ऑर्डर आईडी है 900, तो यहां पे कर देता हूं 900। ओके ये कर दिया हमने। अब यहां पर 1002 ठीक है, बिल आईडी 1002, यहां पे कस्टमर का नाम हो जाएगा श्याम और यहां पर सिटी हो जाएगी गोरखपुर। ओके और यहां पर 102 और यहां पे 901। ओके ये हमने कर दिया और इतना करने के बाद इसको सेव कर लीजिए। आप ये जो ऑर्डर आईडी है अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हमने 900 से स्टार्ट किया, आप कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है। अब हमें इसमें रिलेशनशिप क्रिएट कराना है, इससे भी पहले हमें काम करना होगा, यहां पर ऑर्डर आईडी वाला कॉलम जो टेबल है इसमें हमने फिल नहीं किया है, तो यहां से देखते हुए हमें ऑर्डर आईडी फिल करना होगा। तो ये सारी चीजें हमको डालनी है, 900 से स्टार्ट है ऑर्डर, तो यहां पे 900 लिखा हमने। प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट का नेम है हेडफोन, यहां हेडफोन कर दिया हमने। कस्टमर आईडी जो भी हो आपकी वो डाल दीजिए, यहां से कस्टमर से यहां से पता चला 101 है ठीक है। और प्रोडक्ट का नाम था हेडफोन, तो यहां पे कस्टमर आईडी 101 था ठीक है, ये डाल दिया हमने। और 901 ये सेकंड ऑर्डर आईडी थी, और सेकंड ऑर्डर किस चीज का हुआ है वो यहां पे पता चल जाएगा हमें। ये 102 कर देता हूं कस्टमर आईडी, और यहां पे श्याम कर देता हूं, और यहां पे 901 कर देता हूं मैं कीबोर्ड, और यहां पर फिर 301 हो जाएगा और बिल आईडी 1002 हो जाएगी। बस इसको हम सेव करते हैं और यहां पर ऑर्डर पे आते हैं, तो यहां पे आपको पता ही है कीबोर्ड, यहां पे डाल देता हूं कीबोर्ड ठीक है, और यहां पर क्लोज कीजिए और इसको भी सेव करके क्लोज कर दीजिए। अब यहां पे आ जाते हैं डेटाबेस टूल पर, और यहां पे आ जाते हैं डायरेक्टली रिलेशनशिप पे, हमें यहां रिलेशनशिप ही क्रिएट तो कराना है ना, तो ये हम आ गए और ये तीनों टेबल्स हमने ले ली। तो इस बार हमारे पास तीन टेबल है ठीक है, और देखिए ये बिल आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी ठीक है। अब यहां पे कस्टमर आईडी है ठीक है, और यहां पे ऑर्डर आईडी है ठीक है, और यहां पर भी कस्टमर आईडी है ठीक है, यहां पर भी कस्टमर आईडी है। तो ये कस्टमर आईडी को ये कस्टमर आईडी से रिलेशनशिप क्रिएट कराना है ठीक है, तो यहां पर क्लिक कीजिए, यहां पर करिए और यहां पर करिए, ओके करिए, तो ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। अब ये जो ऑर्डर आईडी है ना, यहां पे देख सकते हैं ये ऑर्डर आईडी, इस ऑर्डर आईडी का रिलेशनशिप क्रिएट करा के इस तरह से हमें जाना है ठीक है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया ठीक है, तो ये इससे भी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, इससे भी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, इन दोनों से ही इसका रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं इसको ठीक है। अब बिल आईडी का रिलेशनशिप इससे कराना है, तो यहां पर आइए लेकिन तो ये रिलेशनशिप भी क्रिएट हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं ये रिलेशनशिप किस प्रकार से क्रिएट हुई है ठीक है। इसको इधर कर देता हूं, ओके तो अब जबकि हम एंट्री करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर चलते हैं वापस से कस्टमर टेबल पे, तो यहां पर देख सकते हैं प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है, यहां पर क्लिक कीजिए आप, और यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 101 नंबर की जो कस्टमर आईडी है वो राम की है, और उन्होंने ऑर्डर किया है हेडफोन, प्रोडक्ट का नाम क्या है, हेडफोन है, और बिल आईडी इनकी 101 है, और प्रोडक्ट आईडी 300 है, और यहां पर इनकी डिटेल दिख जाएगी, जैसे ऑर्डर आईडी यहां पर भी दिख जाएगी आपको, ये देख सकते हैं यहां पे ऑर्डर आईडी और हेडफोन ठीक है।